एनसीईआरटी में जब स्टीरियोकेमिस्ट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ो तो ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, रियल लाइफ में बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होते हैं। सर, ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, तो इनको अलग क्यों माना जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स का कुछ काम भी होता है या इसे ऐसे ही पढ़ते हैं? इसको बहुत काम होता है इसका, और इस बात का जवाब कि ये कैसे अलग है वो हमारी बॉडी में है। हमारे बॉडी के सेल्स में होते हैं रिसेप्टर्स, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल हर एक रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता, शेप मैच होना चाहिए। तो अब अगर आप मान लो कि ये बॉडी का रिसेप्टर है और आपके पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनमें से एक आइसोमर इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पाएगा और एक नहीं कर पाएगा। सो सर, ये मैच होगा एंड ये नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब बहुत सारी मेडिसिंस इसी तरह से डोरबेल रिंग करके यानी कि रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके काम करती है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक ऑप्टिकल आइसोमर किसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, उसे एक्टिवेट करे, लेकिन दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर उस पे बाइंड ना करे, या फिर किसी और किसी अनवांटेड रिसेप्टर को ही एक्टिवेट कर दे जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एल डोपा इज यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज, लेकिन उसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है डी डोपा, इट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट है कमेंट सेक्शन में, चेकआउट करना, इजी है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।